खेती के 5 मानक तत्व हैं, जिनमें से ज्ञान, विज्ञान, सत्य, अहिंसा और धर्म, इनके आधार पर हम खेती करेंगे तो बड़ी ही लाभदायक खेती होगी। अन्यथा जो आज के युग में, जो आज के समय में जो खेती के नाम पर जो तरह तरह की जो पद्धतियां प्रस्तुत की जा रही हैं और जिस तरीके से खेती का मॉडल चेंज किया जा रहा है और खेती एक तमाशा बन के रह गई है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझना होगा कि खेती को एक समझदारी के साथ हमें इन मानक तत्वों के आधार पर अगर खेती करेंगे तो लाभदायक होगी। सुधारने के लिए कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो खेती को सुधारने के नाम पर कार्य करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा में बिल पास करके समाज की समस्याओं को और समाज की कोई भी वर्ग की समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर समाज की समस्याओं को निपटाना है तो समाज की अंदर की गहराइयों को समझकर और धरातल पर आकर समस्या को समझा जा सकता है, न किसी बिल के माध्यम से खेती को सुधारा जा सकता है। तो इसी आधार पर आज के समय में माने तो कि इसी आधार पर देखें तो दहेज प्रथा आज भी प्रतिबंधित है, लेकिन कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं है जो दहेज प्रथा नहीं लेता हो, और ही नहीं है। और बताऊं तो कि जिस तरीके से वायु प्रदूषण प्रतिबंधित है, लेकिन आज भी कारखाने और उन्हीं प्रकार से फैक्ट्रियां चल रही है जो दिन प्रतिदिन चलती आ रही हैं। तो किसी भी पद्धति हो, किसी भी सामाजिक कार्यशैली हो, किसी भी वर्ग को अगर बदलना है, से वो किसान वर्ग की बात हो या किसी अन्य वर्ग की बात हो, बदलना है तो उनकी गहराई में जाकर बदलना होगा, न किसी मंच के माध्यम से कभी भी बातों को बदला जा सकता, न कोई संवाद के माध्यम से बदला जा सकता। अगर बदला जा सकता है तो गहराइयों में जाकर ही बदला जा सकता है।